दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूं अपने कॉर पीए 1000 के साथ विद सस्टेन पेडल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सस्टेन पेडल को कैसे यूज करते हैं। मैंने सिर्फ सस्टेन का यूज बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सस्टेन से हम असाइन पेडल कैसे बना सकते हैं और असाइन पेडल का यूज कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मेरे पास एक अवाना का WDB005 एक सस्टेन पेडल है। दोस्तों बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है और आप इसको डिस्क्रिप्शन पे मेरे अमेजन लिंक के थ्रू भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि सस्टेन पेडल से आप कैसे कैसे असाइन स्विच कर सकते हैं अपने कोर के कीबोर्ड में। आप कैशियो के कीबोर्ड में भी कर सकते हैं, आप रोलैंड के कीबोर्ड में भी कर सकते हैं। दोस्तों जो इफेक्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि सस्टेन पेडल से जो इफेक्ट मैंने जिस भी चाहे वो स्ट्रिंग्स में हो, चाहे पैड्स में हो, चाहे पियानो पे जो भी मैंने आपको बताए थे, वो जो भी इफेक्ट है वो आप अपने कैशियो के कीबोर्ड में एज वेल एज आप जो कोई भी छोटा मॉडल जिसमें आपका सस्टेन पेडल लगता हो, सस्टेन पेडल के बहुत सारे यूज हैं, वो सारे यूजेस आप उसमें कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आपके पास कीबोर्ड है, रोलैंड का है, चाहे असाइनिंग स्विच किसी किसी कीबोर्ड में होते हैं जो हाईली अपग्रेडेड कीबोर्ड होते हैं या हाइब्रिड कीबोर्ड होते हैं, उसमें आपके असाइनेबल स्विच होते हैं। तो लकीली कॉर्क में मेरे पास असाइनेबल स्विच है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें इस स्विच के जरिए आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि डैम्पर पेडल जो बैक साइड पे होता है आपने वहां कनेक्ट करा था सस्टेन पेडल के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हम असाइनेबल स्विच में कनेक्ट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं फटेक से कनेक्ट। अब की बार आपको असाइनेबल स्विच में कनेक्ट करना है। हम इसको करेंगे असाइनेबल स्विच में असाइन करने के लिए। डैम्पर पैडल पे हमने सस्टेन के लिए यूज करा था, अब मैं आपको यूज करवाऊंगा असाइनेबल। हम यूज करेंगे असाइनेबल स्विच में। इसको इस प्रकार से कनेक्ट, असाइनेबल स्विच में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखाने के लिए ये स्विच को अपने हाथ पे रख लिया है और मैंने अपनी डिस्प्ले कर दी है आपको शो। अब जो भी मैं अपने डिस्प्ले पे वर्क करूंगा वो आपको सब दिखेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कहाँ जाना है, आपको अपने ग्लोबल सेटिंग के बटन पे जाना है जो आपको यहां मिलेगा। आपको ग्लोबल सेटिंग के बटन को प्रेस करना है तो आपको कुछ इस टाइप की विंडो दिखेगी कीबोर्ड पे। तो ये विंडो पे कुछ फंक्शन आते हैं, जनरल कंट्रोल, आपका ट्यूनिंग्स, मिडी, गिटार सेटअप, लिमिटर, कंट्रोल, ऑडियो, ये सब सेटिंग्स आती हैं। तो मैंने अपने स्विच को अपने हाथ पे ही रखा हुआ है प्रेस करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने स्टेप से रखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि मैंने जब कंट्रोल का बटन दबाया था, ग्लोबल का बटन दबाया था, तो मैं सीधे गया हूँ कंट्रोल के ऑप्शन पे। तो मुझे जाना है अपने कंट्रोल के ऑप्शन पे। मैंने कंट्रोल का ऑप्शन प्रेस करा तो आपको इस टाइप की विंडो दिख रही होगी। आपको यहां पर फुट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको फुट प्रेस करना है। अब आपको ऊपर जो आता है पैडल पे जो है, नीचे तो आपका कैलिब्रेशन का है, इसको चेक करने का है डैम्पर पैडल को, और दूसरा ऊपर जो है आपका ये असाइनेबल स्विच है। तो आपने इसको सिंपली इस तीर वाले बटन को आपको प्रेस करना है तो आपको दिख जाएगा इसमें सारे फंक्शन जो है, ये सारे फंक्शन असाइनेबल स्विच के हैं, असाइनेबल पेडल्स के हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, पहला ऑफ है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं अपनी स्क्रीन पे आपको ले जाऊं तो आपको दिख रहा होगा स्टाइल स्टार्ट और स्टॉप का। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ऐसे, तो आप देख रहे होंगे मैं ये स्विच जब प्ले करता हूं तो आपकी रिदम स्टॉप हो गई। फिर से मैं इसको प्रेस करता हूं तो स्टॉप हो गई, ये स्टार्ट, ये स्टॉप, ये स्टार्ट, ये स्टॉप। ऐसे ही आप दोस्तों और भी जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इसमें सारे फंक्शंस हैं बहुत सारे, आप इसको डायलर बटन के थ्रू भी ले जा सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। टैप टेम्पो अगर आप करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टैप टेम्पो को मैंने सेलेक्ट करा है, तो ठीक है 2 3, तो आप यहां देखेंगे कि 6/8 की मैंने रिदम लगा रखी है। तो 1 2 3 4 5 6, आप दोबारा रोक करके इसको टैप करेंगे तो उस टेम्पो पे ये रिदम स्टार्ट हो जाएगी। 2 3 4 5 6, देखिए टेम्पो बदला, मैंने कुछ करा नहीं है। मैं दोबारा स्टॉप करता हूं, मैं इसका टेम्पो और तेज करता हूं, फिर से आप कंट्रोल पे गए, वहीं पर ग्लोबल का बटन दबाया। अब आपने इसको, अब आप सस्टेन पेडल का यूज इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने केबीडी सिलेक्शन पे भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जो केबीडी आप दिख रहा होगा, केबीडी सेट 1, केबीडी सेट 2, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, मैं 4 सिलेक्ट करता हूं। अभी पियानो की टोन है स्ट्रिंग की, अब मैं इसको प्रेस करा तो देखिए कुछ चेंजेस हुए,
यहाँ पर देखिए फ्लूट है, आपको अगर नीचे दिख रहा होगा तो यहाँ पर फ्लूट है, KBD-4 पे फ्लूट है। अगर मैं थर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो आप अभी फ्लूट पे है, थर्ड पे क्या है कॉर्नेट, आपको थर्ड पे दिख रहा है कॉर्नेट दिख रहा है, तो मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो आपका कॉर्नेट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने असाइनेबल स्विच से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब असाइनेबल स्विच पे दो स्विच भी आते हैं, मैं सस्टेन पेडल के थ्रू यूज कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सस्टेन पेडल से आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप अपने असाइनेबल स्विच पे डबल स्विच पेडल भी आता है, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो LSS का भी आता है, वो हवाना का भी आता है, वो स्ट्रेंजर का भी आता है, बेसिकली हम लोग स्ट्रेंजर के यूज करते हैं। उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि रिदम ऊपर नीचे करनी है, या असाइनेबल स्विच जो आपको KBD सिलेक्शन 1, 2, 3, 4 करने हैं तो वो भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। इसमें क्या है कि आप केवल प्रेस करके उस बटन, उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, उसमें आप बैक जा सकते हैं, आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, तो उससे भी अब इससे हम सस्टेन पेडल भी यूज कर सकते हैं। देखिए डैम्पर पेडल का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने डैम्पर पे क्लिक करा, आपको डैम्पर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ट्रांसफोर्स भी आप इस पे कर सकते हो अगर आपको ट्रांसफोर्स करना है। डैम्पर पेडल का ऑप्शन है, जो पियानो पे तीन पेडल होते हैं दोस्तों, डैम्पर पेडल सॉफ्टवेयर और सस्टेन पेडल आता है, तो मैं सिंपल अगर डैम्पर पेडल पे इसको रखता हूँ, ये मैं इसको डैम्पर पेडल पे रखता हूँ और मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं बांसुरी की ऐसी आवाज भी आ रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पियानो सेलेक्ट कर दिया है माय सेटिंग्स पे, ये देखिए मैं बजा रहा हूँ, अभी नहीं दबा रखा, ये देखिए मैंने कीज हटा दी है। अब आप इसको डैम्पर पेडल पे, ये है सॉफ्ट पेडल पे, जैसे आपने देखा होगा पियानो का सॉफ्ट पेडल जो होता है, देखिए ये सॉफ्ट पेडल है, ये हार्ड हो गई, ये देखिए सस्टेन पेडल पे आप देखिए, सस्टेन पेडल का मैं आपको दिखा एक यूज बता देता हूँ, जो आप असाइनेबल स्विच के थ्रू सस्टेन पेडल या सॉफ्ट ट्यून पेडल यूज करेंगे, उसका यूज होता है कि जैसे आप एक कीज को, आप नहीं चाहते कि मैं सारी कीज को सस्टेन रखूं, आप चाहते हैं कि मेरी पहली कीज सस्टेन हो, तो आप इस पेडल के थ्रू उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये प्रेस करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पर प्रेस करा है, ये देखिए अब मैं इसको, मैं और भी कीज बजाऊंगा, लेकिन मेरा पहला वाला नोट देखिए आप, केवल मेरा पहला नोट सस्टेन है, करके बहुत सारे फंक्शंस इसमें यूज कर सकते हैं। आप माइक टॉक ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, माइक लीड ऑफ ऑन कर सकते हैं, रोटरी स्पीकर ऑन ऑफ कर सकते हैं, पैड्स आप इसमें ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं पहला पैड आपको दिखाता हूं, अगर मैंने पहला पैड यहां पर सेलेक्ट करा है, ये देखिए यहां पर पैड की लाइट ब्लिंक हो गई, तो मैं इसको बंद करता हूं, स्टॉप करता हूं, और ये देखिए मैं दोबारा करता हूं, तो आपको यहां देखिएगा ये लाइट आपको ब्लिंक करते हुए दिख रही है, स्टॉप करता हूं फिर इसको दबाता हूं, ये देखिए आपका चले। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से सस्टेन पेडल के थ्रू भी अपने स्विच या असाइनेबल स्विच वाले बटन को, अपने असाइनेबल पेडल वाले उसको सस्टेन पेडल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नई वीडियो में कुछ और लेके आऊंगा, फिर से कॉर्क की कुछ और फंक्शंस लेके आऊंगा, और मैं कॉर्क और अलग अलग कीबोर्ड की सीरीज भी बना रहा हूं। अब आपको बैक टू बैक जो वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, वो कॉर्क की मिलेगी, आप एक प्लेलिस्ट में जाके पूरा कॉर्क के पूरे फंक्शन PA-1000 के फंक्शन सीख सकते हैं। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।